हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ भाई टॉमी जुरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बात करने वाला है। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल भी आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ऐसे अपडेट, ऐसे ही मजेदार अपडेट वगैरह मिलते रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें भाई मैंने आपसे पूछा था कि आपको जो है 3 मिनट का, 5 मिनट का या फिर 7 मिनट का वीडियो चाहिए, और उसमें से भाई 50% लोगों ने भाई 7 मिनट के लिए वोट डाला है। मतलब सभी को मतलब लॉन्ग वीडियो चाहिए, इसलिए मैं भाई अभी जितना हो सके लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट के ऊपर 7.5 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे भाई। आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड और भी बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार मज़ेदार अपडेट आने वाला है, और मैं आपके लिए भाई इससे भी अच्छे से वीडियो बना सकूँ, इसलिए भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईसीएल सीजन 10 से बाहर होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के सीईओ, नॉर्थ ईस्ट का मैनेजमेंट, नॉर्थ ईस्ट का हेड कोच, नॉर्थ ईस्ट के असिस्टेंट कोच, नॉर्थ ईस्ट का भाई ओनर जॉन अब्राहम, सब मिलके भाई नेक्स्ट सीजन के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है। अभी से ही वो पूरा कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए स्ट्रांग टीम बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे भाई प्लेयर्स को साइनिंग करें, आई लीग से यंग प्लेयर्स को साइनिंग करें। और साथ ही साथ भाई नॉर्थ ईस्ट ने अपने 4 फॉरेनर प्लेयर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। यस गाइस, 4 मतलब पहले तो नेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया और 1 ईयर्स का, उसके बाद फिर जो बैगो का, और उसके बाद फिर अली ब्रमर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया अभी रिसेंटली ही। और भाई हमारा जो हामजा रेगरागुई है, जो कि भाई अभी तो भाई ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है भाई, 2-3 मैच से भाई अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी नेक्स्ट सीजन जरूर रहेगा। और इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं किया बल्कि भाई इनको जो है भाई पहले से ही मतलब 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, इसलिए भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट है और ये नेक्स्ट सीजन जरूर खेलेगा। और होप कि नेक्स्ट सीजन इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे वो नॉर्थ ईस्ट एफसी के लिए। और जुआन पेद्रो मिनेली का भी मतलब उनको लेके बहुत बड़ा प्लानिंग है, क्योंकि वो उनको मतलब पहले से ही जानते हैं हामजा रेगरागुई को, उनको लेके जुआन पेद्रो मिनेली नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं भाई। वो भाई मतलब डिफेंसिव मिड में भी खेल सकता है, बट अभी तक भाई उतना ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब साबित नहीं किया है। मार्केट वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट बजट वाला खिलाड़ी है हामजा रेगरागुई। तो होप कि भाई नेक्स्ट सीजन भाई डोरोन कप में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बेहतर परफॉर्मेंस करेगा भाई, इससे भी बेहतर आईसीएल में। भाई देखते हैं, अगर भाई उनके तरफ से मतलब उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है तो जेनुइट ट्रांसफर विंडो में मतलब उनको रिलीज कर सकता है। और बाकी भाई मतलब पहले तो मतलब अली ब्रमर का कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सटेंशन कर लिया है, अली ब्रमर, जवा को, नेस्टर, तो 4 फॉरेनर प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। और रोमेन को तो भाई रिलीज कर दिया है, क्योंकि रोमेन ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो अभी रोमेन जो है मतलब अभी मतलब खेलेंगे नहीं, प्लेयर के रूप में खेलेंगे नहीं, शायद मतलब कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में भाई टॉमी जुरिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर टॉमी जुरिक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहिए कि नहीं नॉर्थ ईस्ट एफसी के मैनेजमेंट को। फर्स्ट बात तो भाई टॉमी जुरिक एक चैंपियन खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप खेल चुका है, एशिया कप का चैंपियन है, वो तो आपको पता ही है, उसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो टॉमी जुरिक ने भाई नॉर्थ ईस्ट के लिए भी 5 गोल मारा है भाई 6 मैचेस में। तो देखा जाए तो भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर है, अच्छा फॉर्म में था टॉमी जुरिक, लेकिन 20 में भाई बीच में ही वो इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते भाई नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत ही बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो टॉप 6 से मतलब पॉइंट गवा चुके थे, मतलब इजी पॉइंट गवा चुके थे और टॉप 6 से बाहर हो चुका है। तो टॉमी जुरिक का भाई इंजुरी भाई बहुत ही मतलब बड़ा इंजुरी था, जिसके चलते वो 3 मैचेस में नहीं खेल पाए थे। तो अभी कुछ फैन का यही कहना है कि अगर टॉमी जुरिक को भाई नेक्स्ट सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया और नेक्स्ट सीजन फिर से इंजर्ड हो गए, तो मेरा भी ये कहना है भाई अगर टॉमी जुरिक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करता है और इस सीजन की जैसे बीच में इंजर्ड हो गए, तो नॉर्थ ईस्ट को भाई फिर से भाई अपना मतलब टॉप 6 का पोजीशन गंवाना पड़ेगा, क्योंकि टॉमी जुरिक एक ऐसा प्लेयर है जो कि उनको बार बार इंजुरी पे इंजुरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से भाई नॉर्थ ईस्ट अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करता है तो उनके बदले एक ऐसे प्लेयर को साइनिंग करना चाहिए कि वो एकदम प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर हो और विंग में भी खेल सकता है। मेरे हिसाब से भाई रोमेन फिलिबोटू के रिप्लेसमेंट में एक ऐसा प्लेयर को साइनिंग कर सकता है जो कि मतलब दोनों विंग में भाई खेल सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर भी हो, ऐसे प्लेयर्स को साइनिंग करना चाहिए और टॉमी जुरिक का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। बाकी आप अपना राय कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और फिलहाल आज के लिए बस नहीं, आज का यही कुछ अपडेट था भाई। हम नेक्स्ट वीडियो और लॉन्ग करने की मतलब कोशिश करेंगे, फिलहाल आज का वीडियो तो 5 मिनट का हो चुका है, तो पिछला वीडियो भाई इससे भी लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में भाई नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड और भी अपडेट्स आ रहा है। अभी तो भाई जॉन पेड्रो मिनेली ट्रांसफर मार्केट में पूरा एक्टिव नज़र आ रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे साइनिंग्स वगैरह आने वाला है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, इसलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहता है। जो कि हमारा ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको तो आपको पहले से मतलब उनको पता है कि हमारे चैनल पर भाई सबसे पहले अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। तो भाई जो भी नए आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों को अलविदा, जय हिंद जय भारत।